वेलकम स्टूडेंट। इस क्लास में हम लोग कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस जो डिफरेंशिएशन के हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमने अभी सिर्फ 3 क्वेश्चंस लिए हैं। इस तरह से अगर टाइम निकला तो और भी क्वेश्चंस इसमें ऐड अप करेंगे या तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग पुट अप करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन अलग अलग स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जिनको आप ई एज यूजुअल सेट करो तो न आए आपका आंसर, तो इसलिए इसको हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है कि एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज गिवन टू यू कि ये 0 है। आपको प्रूफ करना है कि डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को आप सिंपली डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करोगे, याद रखिएगा। इसको करने के लिए आपको इसको पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा। x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई ऑफ 1 प्लस एक्स। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ध्यान दीजिएगा, रूट हट जाएगा, माइनस का साइन गायब हो जाएगा, आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको आप ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। सारे टर्म्स को इधर लाएंगे, पेयरिंग करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग। नाउ ये एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई कॉमन आके एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ये थोड़ा सा स्पीडली हमने कर दिया है, ये स्टेप आप भी कर सकते हो। ये सिंपल फैक्टराइजेशन है, सारे टर्म्स को एक साइड लाया, सिंपली फैक्टराइज किया। आफ्टर फैक्टराइजेशन आपके पास पता है आपको कि ये दो टर्म जो आ गए, ईच वन इज इक्वल टू 0 नाउ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इतना निकल के आएगा। इसके बाद x इज इक्वल टू वाई हो जाता है और ये आ जाएगा आपका y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई वन प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मीन्स हमने दोनों में y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल दी है। मीन्स इस क्वेश्चन को करने का ये था कि ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसमें y को x के टर्म में या x को y के टर्म में हमें कन्वर्ट करना था। ये इम्प्लिसिट नहीं है कि ये नहीं कन्वर्ट होगा, दैट इज द डिफरेंस। ये एक्सप्लिसिट है, ये आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ फर्स्ट लाइन से समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए इसको इतना करवाया हमने और करके दिखाया कि देखो एक्सप्लिसिट है क्वेश्चन, इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। तो ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी था, जो एट फर्स्ट आपको इनिशियली शायद रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो जब आपने ऐसा किया तो आप देखो आपका वाई जो है वो एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया यहाँ पे दोनों जगह पे। अब आप डिफरेंशिएट करोगे, कुछ चीजें ओरल बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका, जो आपको नहीं चाहिए। आपको डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 नहीं चाहिए, मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये हम इग्नोर कर देंगे क्वेश्चन में। ये एज पर द रिक्वायर्ड क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो नहीं आएगा डिजायर्ड रिजल्ट, एंड दैट इज इसको इग्नोर कर देंगे, इसको लेकर के चलेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन आपको कैसे करना है, क्वेश्चन टू लगाएंगे आप इसमें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कोशेंट टूल लगा के। तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1, माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 का 0 एक्स का 1 होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसको आप कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपके पास आ जाएगा ये माइनस वन से खुलेगा तो माइनस वन माइनस एक्स प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया, माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये आ गया। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव एंड लाइक दिस ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप ये देखो कि डिफरेंशिएशन बहुत कंपेरेटिवली इजी हो गया। अगर यहाँ करते तो बहुत टिपिकल हो जाता और शायद वो चीज प्रूफ भी न होती, बट ये जब इतना सॉल्व होकर के आया तो ये इजी हो गया। नाउ फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, फॉर द सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई।
ध्यान दीजिएगा ये चीज आपको दी हुई है, यहाँ हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x और y की वैल्यू। यहाँ x की वैल्यू और y की वैल्यू हम लोग अलग अलग पुट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में टू प्रूव दैट रिक्वायर्ड थिंग जो हमको चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं लेट x इज इक्वल टू साइन t एंड y इज इक्वल टू साइन u, u नहीं कुछ और ले लो m, मोर बेटर रहेगा। ठीक, ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, और सब्स्टिट्यूट करके क्या निकल के आएगा आप ये देखिएगा। यहाँ पुट करेंगे तो अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एम इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस साइन एम। नाउ ये आ गया आपके पास कॉस टी प्लस कॉस एम इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस साइन एम। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगेगा, sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लगेगा। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा तो हम बता दें, या तो आप देख लीजिएगा। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y by 2 cos x माइनस y by 2। तो 2 cos x प्लस y by 2 मतलब t प्लस m by 2 cos t माइनस m by 2 इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ध्यान दीजिएगा तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू ये निकल के आया। आप ध्यान दीजिएगा 2 से 2 दोनों तरफ कट गया आपका, कॉस वाला टर्म सेम है दोनों तरफ कट गया आपका एक तो, और इधर ये बन गया कॉस टी माइनस एम अपॉन टू इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस एम अपॉन टू। ध्यान दीजिएगा आप इम्प्लीकेशन कैसे चेंज हो रहे हैं। ये सब एज यूजुअल क्वेश्चन नहीं है कि आप इसको एज यूजुअल डिफ्रेंशिएट करोगे और ये आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर न समझ में आए स्क्रीन पे आपको वीडियो में न समझ में आए तो हम एक एक लाइन बोल भी रहे हैं उस हिसाब से कीजिएगा। x को साइन t पुट कर दिया, y को साइन m पुट कर दिया हमने, तो पुट करने के बाद ये वाला चीज चेंज होकर के cos t बन गया, ये वाला टर्म चेंज होकर cos m बन गया। x की जगह आपने रखा साइन t, y की जगह आपने साइन m रखा, तो ये आ गया cos t प्लस cos m इज इक्वल टू a ब्रैकेट में साइन t माइनस साइन m। फर्दर cos x प्लस cos y का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साइन t साइन x माइनस साइन y वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जब किया तो आपके पास 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, cos का एक टर्म आपका दोनों तरफ से कॉमन था सेम था वो कैंसिल हो गया, ये आपके पास बच गया। ध्यान दीजिएगा साइन वाला टर्म इधर नीचे आएगा cos अपॉन साइन, ये आ जाएगा आपके पास cot cot t माइनस m by 2 इज इक्वल टू a। फर्दर ध्यान दीजिएगा ये cot इधर जाके इनवर्स बन जाएगा, मीन t माइनस m अपॉन 2 इज इक्वल टू cot इनवर्स a हो जाएगा। फिर भी फिर फर्दर t माइनस m इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a हो गया। नाउ अब आप t और m की जो वैल्यू आपने सपोज की थी उसको अपने यूजुअल x और y के टर्म्स में पुट कर दीजिए, t निकल के आएगा यहाँ से साइन इनवर्स x, m निकल के आएगा साइन इनवर्स y, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। ये आपके पास लास्ट में क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर के आ गया। ध्यान दीजिएगा ये यहाँ था और यहाँ आ गए हम, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एज यूजुअल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। एज रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यह आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स x 2 cot इनवर्स a सॉरी ये a कांस्टेंट है तो 2 cot इनवर्स a ये पूरा जीरो हो गया। अब डीवाई बाई डी एक्स हम एक साइड रखेंगे ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स और एट लास्ट में डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही अंतर आ गया। यही आपको प्रूफ करना था, ध्यान दीजिएगा ये सब चीजें। फर्दर लास्ट थर्ड वाला ये थोड़ा लेंदी है तो हम रब कर रहे हैं उधर का भी कुछ पार्ट, थर्ड वाला लेंदी है
हमने फर्स्ट ब्रैकेट इसीलिए रब कर दिया ताकि थर्ड वाले के लिए स्पेस बन जाए। थर्ड वाले में आपको दिया हुआ है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर इज प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हमको थोड़ा सा टिपिकल टर्म प्रूफ करना है dy बाई dx में, ध्यान दीजिएगा, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये जो टर्म है इज अ कॉन्स्टेंट, जो इसकी वैल्यू निकल के आए, जो ऐसा टर्म हमें कैलकुलेट करना है dy बाई dx का होल स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन ऑल दिस थिंग, ये जो भी चीज निकल के आएगी दिस इज अ कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी, मीन्स इसमें जो भी चीज आएगी इसके इक्वल में वो ए और बी से इंडिपेंडेंट होगी, ए और बी का कोई टर्म नहीं आएगा, हाँ सी आ सकता है बट ए एंड बी नहीं आ सकता है। तो हम इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट डाल भी दिया है ठीक। अब हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर का जीरो हो गया डिफरेंशिएशन, 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ पे x माइनस ए के इक्वल वैल्यू फाइंड कीजिए, x माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा ये वाला टर्म इधर चला गया, ये इस तरह से आ गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आपका यहाँ बन गया। फिर हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इस साइड जब करोगे तो ये और ये दो टर्म्स है y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे ठीक। x का डिफरेंशिएशन आपका 1 आ गया, a का 0 हो गया, ये माइनस को हमने ऐसे ही ब्रैकेट में बाहर रख दिया बाहर पहले ही, अब ये y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसमें प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा y माइनस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स हमने ऐसे ही लिख दिया, और y माइनस बी का डिफरेंशिएशन ध्यान दीजिएगा y माइनस बी सॉरी y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स, बी का डिफरेंशिएशन 0, क्या आया y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स माइनस 0, ये हमारा ये पूरा निकल के आया। अब इसको हम सिंपली लिख रहे हैं 1 माइनस 0 1 हो गया, माइनस हम खोल दे रहे हैं ब्रैकेट तो माइनस y माइनस बी इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस इधर आ गया dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये ध्यान दीजिएगा ये और ये सेम नहीं है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज अ सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव, वाई dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या है फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव का, जब होल स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आई, दोनों वैल्यू डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है, ध्यान दीजिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है इसलिए ये आया है ठीक। यहाँ तक हमारा ये निकल के आया, अब यहाँ पे हमको करना क्या है, y माइनस बी को सब्जेक्ट बनाएंगे, मीन्स हम y माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेराइवेटिव, दैट इज dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये वाला टर्म इधर आएगा तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ये वाला टर्म डिवाइड हो जाएगा, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस बी, हम y माइनस बी को सब्जेक्ट बनाए हैं, अगर आपको डायरेक्टली बनाने न आए तो एक एक स्टेप करके कीजिएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका ये आपका इधर डिवाइड हो गया ठीक है, तो ये y माइनस बी माइनस में बच गया आपके पास, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई, ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, इस थर्ड इक्वेशन में जो y माइनस बी की वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट कर देंगे तो x माइनस ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इसके टर्म्स में, ध्यान दीजिएगा इसी तरह y माइनस बी की जैसे वैल्यू आई है सिर्फ
डीवाई बाई डी एक्स वाले टर्म में आई है, उसी तरह x माइनस ए की वैल्यू भी निकाल लेंगे। जब दोनों वैल्यू आ जाएगी तो ऊपर क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो आप ये देखिएगा कि a और b दोनों एलिमिनेट हो जाएगा आपका। यही आपको क्वेश्चन में कहा है कि इसकी वैल्यू ऐसी फाइंड करो जिसमें a और b ना आए, तो यही लॉजिक से हम फाइंड कर रहे हैं। अब ये y माइनस बी थी, हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y माइनस बी, माइनस ऑफ y माइनस बी फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इन टू सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ताकि x माइनस ए की वैल्यू आ जाए। x माइनस ए की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ दिस इन टू dy बाई dx, माइनस ऑफ दिस ये आ गया, ये पूरा इस पूरे में dy बाई dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, इस पूरे में dy by dx और मल्टीप्लाई हो गया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बच्चों के लिए समझना, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप भी साथ में कीजिए, ताकि जब आप लिखोगे तो आपको क्लियर हो रहा है कि आप लिख क्या रहे हो। ऐसे हम बार बार बोल रहे हैं dy by dx d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, तो बहुत कॉम्प्लिकेट और कंफ्यूजिंग होगा, देखने में समझ नहीं आएगा। आप इसको जब कीजिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। एक एक स्टेप करते जाइए, जहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो अपना चेक कीजिए कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये x माइनस ए की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ गई, ये फोर्थ इक्वेशन है, ये x माइनस ए आ गया हमारे पास, ये y माइनस बी आ गया हमारे पास। इन दोनों को हम ओरिजिनल वन में पुट करेंगे, कहाँ वन में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी इन इक्वेशन वन, वन में पुट करेंगे। इसीलिए स्पेस बनाई थी, देख लीजिए। अब इन दोनों को पुट करेंगे, देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर है, x माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब इस पूरे वैल्यू का होल स्क्वायर, मीन्स ये पूरा ऊपर नीचे होल स्क्वायर और ये भी होल स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा हम पुट कर रहे हैं, हम पहले ऊपर वाला 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू dy by dx का होल स्क्वायर। हमने ये न्यूमरेटर अलग, डिनोमिनेटर अलग और ये वाला टर्म अलग, तीनों का अलग अलग स्क्वायर किया फॉर x माइनस a का होल स्क्वायर, प्लस करना है इसका होल स्क्वायर y माइनस b का, ये माइनस में है, जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस अपने आप खत्म हो जाएगा, तो माइनस को छोड़ दीजिए, y माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, फिर ये न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, दोनों का अलग अलग स्क्वायरिंग करके हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू c स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज अगर आपको दिख नहीं रही है तो आप लिटरली जैसे हम बोल रहे हैं वैसे करते जाइए, आता जाएगा। आपने x माइनस ए की जो वैल्यू निकाली है उसको हमने ब्रेक करके अलग अलग स्क्वायरिंग की है, ताकि वो मोर क्लियर हो आपको, कोई स्टेप में फंसे ना, इसलिए तो हमने न्यूमरेटर अलग किया, 1 प्लस डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर अलग लिखा, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर न्यू डिनोमिनेटर इसका स्क्वायर, देखिए नहीं समझ में आएगा ये लिख दिया हमने सही, ये स्क्वायर किया इंटू ये dy by dx यहाँ पे था उसका होल स्क्वायर किया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद y माइनस बी, ये थर्ड इक्वेशन में भी न्यूमरेटर वाले का अलग स्क्वायर करके लिखा, डिनोमिनेटर ये d स्क्वायर y by dx स्क्वायर उसका अलग स्क्वायर किया, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर ये y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। आप ये देख लो कि a और b एलिमिनेट हो गया फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज वॉट क्वेश्चन आपसे मांग रहा था कि a और b को गायब कर दीजिए, जो फॉर्म आए वो ये आना चाहिए, तो a और b तो गायब हो गया लेकिन अभी ये फॉर्म नहीं आया, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला फॉर्म जो रिक्वायर्ड है वो आपका आएगा। कैसे आएगा जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म है ये पूरा टर्म हम देखिए थोड़ा सा सर्कल फॉर्म बता रहे हैं ताकि आप समझिए, ये पूरा टर्म आपका जो है और ये पूरा टर्म, ये देखिए एक जैसा टर्म है, ये ध्यान दीजिएगा हमने सर्कल किया है ताकि आपको समझ में आए कि ये पूरी चीज सेम है, इसको कॉमन निकाल लेंगे, इस पूरे टर्म को कॉमन निकालेंगे, क्या
वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस चीज को कॉमन निकाला। बचा क्या हमारे पास, ये होल स्क्वायर बच गया डी वाई बाई डी एक्स और इधर से कुछ नहीं बचा, वन बचा, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये बच गया। कोई कठिन चीज नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉन्शियस रखिए अपने आप को, ध्यान दीजिए कि किस किस टर्म को लिख रहे हैं, एकदम सही से ये निकल के आएगा। अब देखिएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर है और ये दोनों चीजें सेम है, ये वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और ये वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पावर टू है यहाँ पावर वन है, कुछ नहीं है, तो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो पावर थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर थ्री हो जाएगा। हिंस दिया गया वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर के पावर थ्री होल डिवाइडेड बाई नीचे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आ गया, ये होल स्क्वायर था, ये पावर वन था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो पावर थ्री हो गया, नीचे वाला एज इट इज आ गया, ये सी स्क्वायर की वैल्यू आई। अगर आप इसको सी की वैल्यू निकालते हो तो क्या आएगा, थोड़ा सोचिए, जब हम इसको सी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जब यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पावर यहाँ पे 3 बाई 2 हो जाएगा जो चाहिए और यहाँ से 2 हट जाएगा जो हमें चाहिए, मीन्स जब सी की वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू दिस, दैट इज व्हाट क्वेश्चन सेज, कि इसका जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट है, इंडिपेंडेंट है फ्रॉम ए एंड बी, दैट इज इक्विवेलेंट टू सी, ये यहाँ पे प्रूफ होकर के आ गया। मीन्स आपको अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये तीन क्वेश्चन ही थे लेकिन तीनों बहुत ही अलग तरह के क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास हम और लेंगे इसी तरह के तीन या चार क्वेश्चन को हम और लेंगे, जिसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि वो कितने डिफरेंट हैं यूजुअल क्वेश्चन से या उसको करने के तरीके क्या होते हैं। टिल देन गुड बाय।